लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग सख्त, देश भर में सियासी दलों के अवैध पोस्टर्स बैनर हटाने के दिए निर्देश। टीएमसी नेता महुआ मोहित्रा की बड़ी मुश्किलें, मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने समन भेजकर मांगा जवाब। पीएम मोदी का शिवसेना नेता संजय राउत पर निशाना, औरंगजेब से तुलना करने पर बोले, मुझे दी गई आज 104वीं गाली। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिया आम जनता को संदेश, कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मामला छोटा नहीं, कोर्ट हमेशा आम लोगों के लिए मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंडिया अलायंस पर तंज, कहा जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, शक्ति वाले बयान पर माफी मांगने की मांग। लोकसभा चुनाव से पहले डीएमके पार्टी का बड़ा दावा, कहा विपक्षी गठबंधन सत्ता में आया तो सीएए को निरस्त किया जाएगा। एलजेपी नेता चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा हाजीपुर लोकसभा सीट पर चाचा पशुपति पारस को टक्कर देने को तैयार हैं। दिल्ली के वेलकम में हुआ बड़ा हादसा, दो मंजिला इमारत गिरने से दो लोगों की मौत। और बदायूं मर्डर केस में एनकाउंटर पर शिवपाल यादव ने उठाए सवाल, बोले अब कैसे होगा खुलासा। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया।